नमस्ते, माय नेम इज परम। माय डियर फ्रेंड, हम सभी शांत मन के साथ में जीवन जीना चाहते हैं। मन यदि शांत है तो हमें सुख और आनंद का अनुभव होता है, और मन अशांत है तो हम अपने आप में अंदर से दुखी होते हैं। हम भावनात्मक और मानसिक रूप से बीमार रहने लगते हैं, जिसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्तर पर अनेक बीमारियों के रूप में दिखने लगता है। जरूरी है कि हम अपने मन को शांत कैसे करें, आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। आगे समझने से पहले जरूरी है कि मन की अशांति का कारण क्या है। बहुत बार हम अपने मन को शांत करने के लिए वो तरीके ढूंढ लेते हैं जो वास्तव में हमें सुख नहीं करते, और हम उनको लगातार अपनाते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। हमें लगता है कि इससे हमारे मन की शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन बहुत बार हम अशांति में फंसते रहते हैं। हमें अपनी अप्रोच को ठीक करना होगा, लेकिन आगे चलने से पहले समझ लेते हैं कि बहुत बार किस तरह से हम गलत अप्रोच को अपनाकर अपने जीवन को खुद ही ट्रबल सम बनाते रहते हैं। हमें बहुत बार लगता है साथियों कि हम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो चीज़ें पाना चाहते हैं, जहाँ कहीं हम पहुँचना चाहते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, या जिस इंसान को पाना चाहते हैं, यदि वो सभी चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाएँ तो हम अपने आप में शांत और सुखी आनंदित महसूस करेंगे। इसी की दौड़ में जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं तो बहुत बार वो चीज़ें हमें मिलने लगती हैं, वो लोग हमें मिलने लगते हैं, वो डेस्टिनेशन जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो सब कुछ हमें मिलता है तो हमें कुछ देर के लिए शांति का या आनंद का अनुभव होता है, मोमेंट्री से ही, लेकिन कम समय के लिए जब वो हमें अनुभव होता है तो हमें लगता है यस, यही हम चाहते थे, वो हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि वो सब कुछ हमारे पास रहता है, उसके बाद भी फिर हम धीरे धीरे अशांत होने लगते हैं, हमारे अंदर की अशांति बढ़ती चली जाती है। हमारे अंदर का सोचना है कि जो हमने पाया है इससे हमें सुख, शांति और आनंद मिलता है। इसका मतलब अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि यदि आप इस तरह की चीज़ें और इनसे बेहतर पाएंगे तो आपको बेहतर सुख, शांति या आनंद मिलेगा। फिर से हम नई चीज़ें पाना चाहते हैं, बड़ी चीज़ें पाना चाहते हैं, नई जगह पर पहुँचना चाहते हैं, नए टारगेट अपने जीवन में सेट कर लेते हैं। इसी की वजह से हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, हम उन सभी को पाते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें सुख, शांति, आनंद मिलती है, उसके बाद में वो जाने लगती है, खत्म होने लगती है, फिर नए टारगेट हम सेट करने लगते हैं, फिर मिलती है, फिर खत्म होने लगती है। यहाँ पर थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है साथियों कि जो भी आप पाना चाहते थे वो सब पाने के बाद भी यदि आपके अंदर अशांति बढ़ती है तो अपने मन को शांत करने के कुछ आपको अप्रोच चेंज करनी होगी। पहले समझते हैं कि हमें यहाँ पर अशांति क्यों बढ़ने लगती है। जो भी हम पाना चाहते हैं जीवन में, उसे पाने के लिए हम अपने एफर्ट्स बढ़ा देते हैं, और इतना ही नहीं, हमारे अंदर के थॉट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, अंदर से अशांति के साथ में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। जैसे ही वो चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, एकदम हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी डाउन होती है या बिल्कुल गिर जाती है। जैसे ही वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम उनको पाते हैं, हम उनको ऑन करते हैं, हम उनके मालिक बन जाते हैं, हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। हमें लगता है कि ये आनंद, सुख हमें इन चीज़ों से मिल रहा है, या वहाँ पहुँच कर जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ से मिल रहा है। ऐसा नहीं है, रियलिटी है साथियों कि सुख या आनंद हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी के गिरने से मिलता है। हमारे अंदर जितने ज़्यादा थॉट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा अशांति बढ़ती है, उतना ज़्यादा हमारा दुख बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा हमारा तनाव बढ़ जाता है, उतने ही ज़्यादा हम अशांत रहने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी कम आती है, हमारे अंदर शांति उतरने लगती है, और जैसी वो जीरो होती है तो हम परम आनंद उस समय पर महसूस करते हैं। सुख, शांति या अनुभव हमें चीज़ों से या उन लोगों से नहीं मिलता जिनको हम पाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हम उनको अचीव करते हैं तो कुछ देर के लिए हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है या जीरो हो जाती है। इसी में से जो आनंद, सुख निकलता है उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं, मोमेंट्री ही से, लेकिन फिर इसको रिपीट करने के लिए फिर हम दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर बॉटम लाइन है कि हमें समझना होगा कि सुख, शांति, आनंद यदि चीज़ों में से नहीं मिल रहा है, हमें अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को कम करने से मिलता है, तो हमें वो तरीके अपनाने होंगे जिससे हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहे, अंदर से हम शांत रहेंगे, हमारे अंदर उतना ही ज़्यादा सुख और आनंद रहेगा। अब जरूरत है कि जितना ज़्यादा हम विचारों को शांत करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उस सुख या आनंद को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके अंदर एक सवाल उठ सकता है कि यदि हम ये चीज़ें नहीं पाएंगे, हम आज के भौतिक जगत में सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्या, सफलता जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में होना चाहिए, यदि वो नहीं होगा तो फिर हमारा इस जीवन में शायद कुछ अस्तित्व नहीं होगा।
आपको ध्यान से समझने की जरूरत है जिन चीजों को आज आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप इतने अशांत हो जाते हैं और इतने एफर्ट्स करने लगते हैं। यदि आपके अंदर की थॉट की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, आप अंदर से अपने आप में शांत होंगे, तो ये चीजें फिर सहज प्रयास के साथ ही आपके जीवन में लौटने लगती हैं, आने लगती हैं। कम प्रयास से ही आप इनको पाने लगते हैं। We do not get in our life what we want, we get what we attract. और अट्रैक्ट करने के लिए साथियों आपके अंदर शांति का लेवल, पीस का लेवल हाई होना चाहिए, आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अंदर से पीसफुल होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, उतना ही ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करेगा, आप वो सभी कुछ आसानी से अचीव करने लगेंगे जिसके लिए आज संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमने समझा दी अंदर की रियल सुख शांति आनंद की बात करते हैं तो हमें विचारों की फ्रीक्वेंसी को गिराना होगा, हमें अपने थॉट की निरंतरता जो बहुत ज़्यादा है उसे कम करना होगा। यदि हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वो चीज़ें जिन्हें आज हम पाने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो फिर सहज ही हम उनको अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगेंगे, कम प्रयास से ही वो हमारे जीवन में आने लगेंगे। अब समझने की जरूरत है कि हम क्या करें ताकि हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी ना बढ़े। 24 घंटे में कम से कम विचार हमारे अंदर चलें, या हम अंदर से शांत रहें, या केवल जहां जरूरत हो वहीं पर हमारे अंदर विचार चलें। इसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, अपने माइंड की गलत पड़ी हुई आदतों को हमें ठीक करना होगा। हमारी एक आदत है सुबह से शाम तक, दोस्तों जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है और शाम तक हम अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं, अनेक घटनाओं के संपर्क में आते हैं, अनेक चीजों के संपर्क में आते हैं, हम सुबह से ही अपने माइंड को एक गलत रूट या रास्ता दे देते हैं, माइंड उस पर ही चलता रहता है। जैसे कि आप सुबह उठे, निकलने के बाद में बाहर देखते हैं तो आप बोलते हैं बहुत सुंदर सुबह है, या बोलते हैं कि कितना खराब मौसम है। यहीं पर बस हम एक गलती करते हैं, जैसे ही हम चीजों को मीनिंग देना शुरू कर देते हैं यहीं पर हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है। यदि किसी चीज को आप बोलते हैं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो भी यहाँ पर विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। यदि किसी चीज को आप बोलते हैं बहुत बेकार है, खराब है, तो भी यहाँ पर एक विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। विचारों की निरंतरता या श्रृंखला जब हमारे अंदर तेज होती है तो हमारे अंदर अशांति होती है। इसी तरह से हम लोगों के संपर्क में आएंगे, किसी को अच्छा बताते हैं, किसी को खराब बताते हैं, चीजें देखते हैं तो किसी को अच्छा बताएंगे तो खराब बताएंगे, आसपास के माहौल को बहुत बार अच्छा बताते हैं, खराब बताते हैं। इसका मतलब जितना भी सुबह से शाम तक आप उन चीजों को मीनिंग दे रहे हैं जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है, जिनको आप बिना किसी मीनिंग दिए भी अपना जीवन जी सकते थे, आप पाएंगे कि आप अपने माइंड को एक सही रूट या एक सही आदत पर ला रहे हैं। आप अपने माइंड को विचारों की श्रृंखला शुरू करने के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं। आपका मीनिंग देने के बाद में आप अपने माइंड को विचारों की श्रृंखला को शुरू करने से नहीं रोक सकते, वो फिर विचार के बाद विचार आपको देता रहेगा, बताता रहेगा। जो भी आप मीनिंग देंगे वो उसी को प्रूव करने के लिए काम करता रहेगा। जरूरत है कि आप चीजों को एज इट इज देखना शुरू कर दें, लोगों को आप एज इट इज देखना शुरू कर दें। लोगों के जब भी हम संपर्क में आते हैं तो पास्ट के रेफरेंसेस से फिर उनको मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। कुछ भी साथियों परमानेंट नहीं है, सब कुछ इस दुनिया में बदल रहा है। जो लोग अच्छे थे वो आज खराब हो गए, जो लोग खराब थे वो आज अच्छे हो गए, जो आज जैसे हैं वो कल कैसे होंगे नोबडी नोस। सिर्फ लोगों को, चीज़ों को एज इट इज जितना ज़्यादा हम देखेंगे उतना ही ज़्यादा मन हमारा शांत रहेगा, हम अंदर से सुखी रहेंगे। आप जितना ज़्यादा मीनिंग देंगे, माइंड उतना ही उनके अंदर दौड़ेगा, घुसेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर अशांति होगी। आज से आप बस इतना करना शुरू करेंगे, कुछ अभ्यास हमें कुछ देर के लिए आप इंटेंशनली करना शुरू करें। शुरू में किसी भी अभ्यास को हमें एक इंटेंशन के साथ में, एफर्ट्स के साथ में, एक अवेयरनेस के साथ में करना होता है, फिर वो सहज हमारा आदत बन जाती है, फिर वो हमसे होने लगता है। आप हर दिन अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं आसपास जिसके भी संपर्क में आऊँगा कोई मीनिंग नहीं दूंगा, एज इट इज उनको देखूंगा, या प्रेजेंट में जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं डील करूंगा। आप मीनिंग नहीं देंगे तो आप पाएंगे कि आपका माइंड नहीं दौड़ेगा, आप अंदर से शांत रहेंगे, और शांत रहेंगे तो आप वर्तमान में रहकर के ज़्यादा क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा रिजल्ट अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करेंगे, और वो चीज़ें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी सहज, जिनके लिए आप अभी तक प्रयास करते थे। हमारी एनर्जी ड्रेन वहां हो जाती है जहां उसकी जरूरत नहीं है। एनर्जी ड्रेन होने का मतलब है माइंड का एंगेज करना, और माइंड का एंगेज करने के लिए सिर्फ एक भूल या गलती जो सुबह से ही हम करते हैं, चीजों को मीनिंग देना शुरू कर देते हैं, लोगों को मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। बस इतना सा प्रयास करें, आप बंद करें और आप पाएंगे कि आपके अंदर शांति आने लगी। फिर जो भी चीज आप पाना चाहते हैं वो आपकी जरूरत बनेगी, आप उसे अट्रैक्ट करेंगे, और आप लाइफ में सुख, संपत्ति, शांति, ऐश्वर्य, वैभव, सफलता, जो आप पाना चाहते हैं वो आपकी तरफ लाइफ में दौड़ने लगेगी।
इस चीज का आप हर दिन अभ्यास करेंगे तो रिजल्ट आपको पहले दिन से ही महसूस होगा। आपको लगेगा कि मन कितना शांत है, दुनिया कितनी अच्छी है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आपके अंदर ना एंग्जाइटी होती है, ना पैनिक अटैक होते हैं, ना इंसोमनिया होता है, ना किसी तरह की इनसिक्योरिटी या फियर या डाउट आपके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि अब किसी तरह का आपके अंदर कोई इमोशनल टर्बुलेंस नहीं होगा। आप शांति के साथ में अपना काम करेंगे, आप पूरी तरह से फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली बैलेंस रहेंगे, रात में नींद भी अच्छी आएगी। यदि आप आसपास की चीज़ों को मीनिंग देंगे तो माइंड वहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, आपकी एनर्जी वहाँ ड्रेन हो जाएगी जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आप करते हैं वहाँ रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इसका अभ्यास करेंगे तो साथियों आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने अंदर में अशांति से, अपने अंदर की नेगेटिविटी से, या आपको किसी तरह के इमोशनल टर्बुलेंस बराबर चलते रहते हैं, आपको सुख शांति अनुभव नहीं होती है, तो आप हमारे 21 डे ऑनलाइन इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं। अनेक पॉजिटिव फीडबैक लोगों के हर दिन हमें मिल रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं। It is privilege to have a program like Inner Transformation. You definitely can catch what you really need in relationship, in career, in life and many more. I feel proud and honored for attending each and every class by Paramji. I am really very happy. इस प्रोग्राम का लिंक साथियों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कर उसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।